हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी डॉली। मैं हूं कनिष्का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्कूल प्रोजेक्ट का वीडियो। ये एनिमल फार्म्स का एक पार्ट है। आपको एनिमल फार्म्स का वीडियो बहुत जल्द दिव जगह रॉक पर देखने को मिल जाएगा। दिव जगह रॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको एक कार्डबोर्ड के चार टुकड़े करने हैं। आप इसका साइज अपने एनिमल के साइज के अकॉर्डिंग करिएगा, और इसके लिए आपको चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, सीजर, कलर, और हमें चाहिए इसके लिए फेविकॉल ग्लू। अब हमने इसे अपने एनिमल के साइज के अकॉर्डिंग चार हिस्सों में काट लिया है। अब इस पर हमें आइस ग्लू की मदद से आइसक्रीम स्टिक को लगाना है। जैसा कि ये देखिए, मैंने एक लगा कर रखा है। इसी तरीके से आपको लगाना है। और ये हमारे साइड के वॉल हैं, इस पर हमने यहाँ पे साइज मेजर कर दिया है विंडो बनाने के लिए। आकर कोई भी पुराना नेट का कपड़ा हो उसे आप नेट लगा सकते हैं विंडो के लिए। आप जैसे देख रहे हैं, मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे मैं ग्लू की मदद से इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, मैंने ग्लू की मदद से इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब इसे भी हमें आइसक्रीम स्टिक से पूरा कवर करना है। जैसे मैंने ये रेडी करके रखा है, ये हमारी दोनों साइड की वॉल रेडी हो चुकी हैं। अभी हम अपना फ्रंट का गेट बनाएंगे। ये भी मैंने मेजर करके रखा है। इसे कट करके इसे भी मैं आइसक्रीम स्टिक से पूरा कवर कर दूंगी। ये देखिए, रेडी हो चुका है। अब हमें इन सबको आपस में ज्वाइन करना है। उसके लिए पहले हमें नीचे बेस बनाना पड़ेगा, और एक बैक के लिए बनाना पड़ेगी वॉल। ये देखिए, मैंने पहले से पूरा पेंट कर दिया है। पूरा हमने इसे वुडन कलर देकर पेंट करके इसे ज्वाइन कर दिया है। इसे ज्वाइन कैसे करना है ये तो आप समझ ही गए होंगे, कि हमने सारे ही अलग अलग पार्ट्स बनाए थे, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब ये हम यहाँ पे आगे से स्टेयर्स बनाएंगे, उसे भी मैंने पेंट कर लिया है। आप इसे अपने हाउस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका साइज कट करिएगा। सारे पार्ट्स को हमने इसमें ज्वाइन कर दिया है। इसी तरीके से आप डॉग हाउस भी बना सकते हैं। ये एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।